पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसपी मुख्यालय हिमाली पाठक के निर्देश पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने स्टाफ के साथ मिलकर बीती देर बासा गांव के समीप घेराबंदी कर सफारी कार में 18 पेटी शराब जब्त की है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कई दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना दी जा रही थी कि बासा गांव निवासी जीवेंद्र सिंह पिता बद्रे सिंह द्वारा शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद बीती देर रात मुखबिर से मिली सूचना के बाद बासा गांव के समीप घेराबंदी कर एक सफारी कार को रोका गया, जिसमें जीवेंद्र सिंह और उसका साथी रामायण कोल बैठा पाया गया। वाहन की ली गई तलाशी के दौरान 18 पेटी शराब जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया गया है कि जीवेंद्र सिंह क्षेत्र का पुराना नशे का कारोबारी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के बाद बीती देर रात कार्रवाई की गई है।